चिकित्सकों की कमी से पहले से ही जूझ रहे राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय से शनिवार को वर्तमान पीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी तथा ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। चिकित्सकों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात शनिवार को अस्पताल प्रशासन की ओर से एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अस्पताल प्रशासन की ओर से आयोजित विदाई समारोह के दौरान उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग कार्मिकों तथा स्टाफ सदस्यों ने दोनों चिकित्सकों को माला लिफाफा पहनाते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने डॉक्टर दिलीप चौधरी तथा डॉक्टर मुकुल राजवंशी के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के सेवाकाल को याद करते हुए उनके द्वारा दी गई सेवाओं की चर्चा की। वक्ताओं ने डॉक्टर दिलीप चौधरी के पीएमओ कार्यकाल के दौरान अस्पताल की व्यवस्था तथा रोगी सेवा के लिए किए गए बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें साधुवाद दिया। वक्ताओं ने दोनों चिकित्सकों के मैत्रीपूर्ण व सहयोगी व्यवहार की प्रशंसा करते हुए सेवाओं की सराहना की। विदाई समारोह के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले दोनों चिकित्सकों ने स्टाफ सदस्यों व साथी चिकित्सकों की ओर से दिए गए सहयोग के लिए आभार जताया। सेवानिवृत्ति विदाई समारोह के दौरान डॉक्टर टीसी गगरानी, डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर एमके जैन, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर विनय सक्सेना, डॉक्टर सुनील कुमावर, डॉक्टर एसएस सोनी, डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर श्रुति चौधरी, नर्सिंग स्टाफ नावेद असलम, चंद्रभान सिंह, हनुमान नामा, रसूल काठा सहित अन्य उपस्थित थे। अस्पताल प्रशासन से विदाई लेने के पश्चात डॉक्टर दिलीप चौधरी अपने निवास स्थान के लिए रवाना हुए। इस दौरान बैंड तथा ढोल नगाड़े बजाते हुए उनके परिवारजन तथा इष्ट मित्र उनकी अगुवाई करते हुए चल रहे थे। विदाई समारोह के तहत शहर के चंपानगर क्षेत्र में उनके शुभचिंतकों तथा इष्ट मित्रों की ओर से स्वागत द्वारा सजाकर विदाई समारोह के तहत शहर के चंपानगर क्षेत्र में उनके शुभचिंतकों तथा इष्ट मित्रों की ओर से स्वागत द्वार सजाकर उनका माला पहनाते हुए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान ड्रग एसोसिएशन की ओर से प्रसून शुक्ला की ओर से तथा भगत चौराहे पर भगत चौराहा मित्र मंडल के पदाधिकारी तथा सदस्यों ने डॉक्टर चौधरी का माला पहनाते हुए स्वागत किया।